हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। सो गाइस, आप सभी लाफ्टर शेफ्स तो देखते होंगे, तो उसके प्रोमो में आपने देखा कि लाफ्टर शेफ के सेट पर जो रीम शेख के साथ हुआ है, वो कुकिंग कर रही थी, कुकिंग करते वक्त उनकी आंख पे ऑयल आ गया है, मतलब उनके पूरे फेस पे ऑयल की छींटे आ गई है, तो उसकी वजह से उनके फेस पे काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है, लेकिन उनकी आईज सेफ रही है। सो ये तो एक सेट की बात थी, मतलब एक शो की बात थी, लेकिन ऐसा हर रोज एक किसी ना किसी लेडीज के साथ होता रहता है, क्योंकि हमें रोज किचन में वर्क करना होता है, तो किचन में ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, चाहे वो मेड हो या चाहे वो शेफ हो या फिर नॉर्मल लेडीज किचन में वर्क कर रही हो, तो वो इंसिडेंट्स किसी ना किसी के साथ हो सकता है। सो अगर आपकी आंख में तेल चला जाए या आपके फेस पे तेल आ जाए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आईज बच जाए और हमारा फेस बच जाए, जिसपे हमारी आंख और फेस पे छाले ना पड़े। सो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आपकी आंख में तेल चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइस, कुकिंग करते वक्त अगर आपकी आंख में तेल चला जाता है तो अपनी आंखों को कैसे बचाया जाए। सो गाइस, सबसे पहले मेन है अपनी आंखों को रब नहीं करना है। क्या होता है अगर आपकी आंख में तेल चला जाता है या फेस पे तेल चला जाता है, तो आप लोग पैनिक कर जाते हो, आप घबरा जाते हो, जैसे रीम घबरा गई थी, उसने अपने आईज को टच किया, फेस को टच किया, तो आपने अपने हाथों को दूर रखना है, अपनी आईज को बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर आप अपनी आंखों को रगड़ने लग जाते हैं, अपने आंखों को खुजलाने लग जाते हैं, तो उससे आपकी आईज की कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है, उससे आपकी पुतली में छाला बन सकता है, आपकी पुतली में और ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसीलिए गाइस, ध्यान रखना है, अगर आपकी आंख में तेल जाता है या फिर कुछ भी जाता है, तो आपने अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है। सेकंड क्या करना है, अपनी आईज को बहुत अच्छे से वॉश करना है, टैप वाटर से 10-15 मिनट तक वॉश कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शावर में जा सकते हैं, शावर में जाकर अपनी आंख के ऊपर डायरेक्ट शावर को ऑन कर सकते हैं। क्या होगा, उससे आपके आईज में जितना भी ऑयल होगा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपके जो पीएच लेवल होगा वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए अपनी आईज में पानी को फ्लश करना है, जिससे आपके आईज में जितना भी ऑयल चिपका हुआ होगा वो निकल जाए, और आपने अपनी आईज को बहुत अच्छे से रोटेट करना है, साइड टू साइड, अप टू डाउन, ये सारा रोटेट करोगे तो इससे जितने भी कोने में आपके आईलेट्स के अंदर जितना भी ऑयल लगा होगा वो अच्छे से फ्लैश आउट हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप एक साइड कहीं पर भी लेट जाइए, देन उसके बाद आप अपने साथी को बोल सकते हैं कि वो पानी से भरा हुआ एक बॉटल लेकर आए, देन आपकी आंख में डायरेक्ट वो पानी डाले। इससे भी आपकी आंख में जितना भी ऑयल गया है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल गया है, वो बहुत आसानी से आपकी आंख से निकल जाएगा। बट क्या करना है, एक पानी का भरा हुआ बाउल लेना है या फिर एक टब भी ले सकते हैं, वो पानी से फुल होना चाहिए, उसके बाद अपने फेस को उस पानी में डालना है, देन फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना है, देन आईज को अच्छे से रोटेट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जितना भी आईज में ऑयल गया हुआ या आंखों में चिपका हुआ होगा वो अच्छे से फ्लश हो जाएगा, मतलब वो धुल जाएगा। सो आपने अपनी आईज को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी आईज में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का यूज करना है। आप मेडिकल स्टोर से भी ला सकते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल आई ड्रॉप, रिफ्रेश टीयर ले सकते हैं, ल्यूब्री मोइस्ट ले सकते हैं, या कोई भी एक आर्टिफिशियल आई ड्रॉप आप लेकर आ जाइए, ड्रॉप को अपनी आईज में डालिए, दिन में 4 बार इसका यूज कीजिए। इससे भी आपकी आईज में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बर्निंग सेंसेशन हो रहा होगा, उसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सो गाइस, क्या होता है, अगर आपकी आंख में तेल चला जाता है तो आपकी आंख में काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, आपकी आंख से लगातार पानी बहने लगता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होने लगती है, इसलिए ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। सो आपने ये सारी चीजें कर लिया, आपने अपनी आईज को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी भी डाल लिया है, लेकिन आपके आंखों में जलन नहीं कम हो रही है, आपकी आंखों से पानी लगातार बह रहा है, आपकी आंख नहीं खुल पा रही है, फोटोफोबिया हो रहा है, मतलब धूप में जाने में आपकी आंखों से देखने में दिक्कत हो रही है, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना आई चेकअप कराना है। क्या होता है, अगर आपके आईज में बहुत तेजी से ऑयल जाता है तो उससे आपकी जो कॉर्निया पुतली होती है वो जलने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, पर आई ड्रॉप्स का यूज करना है। सो लेडीज, अगर आप बहुत ज्यादा किचन में आपका काम रहता है तो आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज करते सकते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस जैसे ब्लू कट ग्लासेस हो गए या फिर नॉर्मल ग्लासेस, जीरो पावर वाले ग्लासेस होते हैं, वो पहन सकते हैं, इससे भी आपकी आईज में कोई भी ऑयल नहीं जाएगा और आपकी आईज सेफ रहेंगी। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।